ओके आइए बढ़ते आगे। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ है इस वक्त तैयार नई दिल्ली से जुड़ते हुए कुछ अहम डेटा के साथ। एक्सक्लूसिव डेटा है उनके पास। तरुण बताएं क्या डेटा है आपके पास। बिल्कुल सर, ये जो डेटा है ये अगले साल इकोनॉमी कैसा करेगी, कितना टारगेट होगा उस पर उसका एक आधार हो सकता है, क्योंकि ये जो डेटा है ये एडवांस टैक्स नंबर का डेटा है। 15 दिसंबर आखिरी तारीख होती है तीसरी त्रिमाही की एडवांस टैक्स भरने की, तो उसी डेटा लेकर मैं आया हूँ। और उस डेटा में यह है कि यदि अभी तक जो टोटल नेट कलेक्शन है डायरेक्ट टैक्स का वो 10 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले दिसंबर 15 को 22% के करीब ज्यादा है। वहीं जो एडवांस टैक्स जो कॉर्पोरेट टैक्स का है वो 2.87 लाख करोड़ दिसंबर 15 तक कलेक्शन हुआ है। वहीं पर्सनल एडवांस टैक्स जो है पर्सनल इनकम टैक्स में जो एडवांस टैक्स जो भरा है उसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन अभी तक हो चुका है। और वहीं टीडीएस का जो कलेक्शन है वो 6.34 लाख करोड़ है दिसंबर 15 तक। और जो इस साल रिफंड्स जो है वो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा दे रहा है, तो अभी तक 2.23 लाख करोड़ का रिफंड भी अभी तक वित्त मंत्रालय या कहें कि सीबीडीटी ने अभी तक किया है, और 18,000 करोड़ अभी तक एसटीटी कलेक्शन भी आ चुका है। लेकिन यदि हम पिछले साल के मुकाबले एडवांस टैक्स का यदि हम रिव्यू करें तो पिछले साल 16 दिसंबर को मैं एक बार वापस कहना चाहूंगा, 16 दिसंबर को जो डेटा था वो 4.59 लाख था, मतलब करीबन 4.6 लाख करोड़ के आसपास का एडवांस टैक्स नंबर था, जो अभी तक दिसंबर 15 तक 3.93 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। और उम्मीद ये की जा रही है कि सपाट रह सकता है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले ही एडवांस टैक्स नंबर रह सकता है। ये डेटा देखने के बाद अब ये डिसाइड होगा कि कितना बजट एक्सपेक्टेशन रखी जाए 2023-24 के लिए, जो अभी 14,20,000 करोड़ है, क्या उसी पे रखा जाए या उसमें कुछ और ग्रोथ के साथ बजट एक्सपेक्टेशन रखी जाए, ये इस डेटा पे आधारित होगा। और उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिन के अंदर ये भी एक पता लग पाएगा कि क्या बजट एक्सपेक्टेशन रहेगी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को लेकर। ओके, तो ये है आपके लिए एडवांस टैक्स को लेकर नंबर्स। तो एडवांस टैक्स में आप ये कह रहे हैं तो उनकी पिछले साल का और इस साल का जो दिसंबर महीने का एडवांस टैक्स है दिसंबर वाले इंस्टॉलमेंट वाला वो फ्लैट रहेगा, कोई खास ग्रोथ नहीं है, करेक्ट? बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो दिसंबर 15, 2022 का है और 16 दिसंबर 2021 का है, तो 16 दिसंबर 2021 को 4.59 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था पिछले साल, और अभी तक है वो 3.93 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। तो लेकिन अभी आज का दिन का कलेक्शन इसमें इंक्लूड नहीं है, जो कि पिछले साल के डेटा में इंक्लूड है, तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि उसके आसपास मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले साल भी 4.59 लाख करोड़ का कलेक्शन 16 दिसंबर तक हुआ था। तो राणा बागी, करेक्ट है ना? बिल्कुल सर, तो एक दिन का डेटा और आना बाकी है, तो बढ़ सकता है ये नंबर, करेक्ट? बिल्कुल। इस बार बहुत लोगों का डेटा, हाँ, बहुत लोगों को तो दिक्कत भी आ रही है एडवांस टैक्स भरने में, वो साइट वाइट वाला जो मामला होता है ना भरने का, वो इश्यू आ रहा है कुछ कुछ। जैसे मैं भी भर रहा था एडवांस टैक्स, अच्छा। तो जैसे मैं जिस बैंक से हर साल भरता हूँ, हाँ। तो इस बार वो उन्होंने कुछ बैंक वाले सिस्टम भी चेंज किया है, काफी लोग इसके बारे, हाँ, तो मुझे बड़ी मुश्किल आई, काफी टाइम लगा, क्योंकि क्या होता है कि पहले सारे बैंक एक साथ आ जाते थे, इस बार कुछ ही बैंक आ रहे हैं। अगर आपके वो पुराने डेजिग्नेटेड बैंक से आप करना चाहते हो, हाँ। तो आपकी दूसरी साइट पे वो रिडायरेक्ट कर रहा है, फिर वहां जाओ लॉग इन करो, तो वापस आपको लॉग इन आईडी पासवर्ड याद रखना है। और भाई साहब, सबसे जिंदगी में मुश्किल काम पासवर्ड याद रखना है। बिल्कुल, सेम रखो तो सब सारे साइबर एक्सपर्ट आके बोलते हैं सेम मत रखो, सेम मत रखो, इजी रखो तो इजी मत रखो। अब सबके लिए अलग रखे तो जिंदगी में पता चला किसी ने अपना ही नाम भूल गया, ओरिजिनल क्या था। तो एनीवे, तो अभी कल जो डेटा आएंगे वो ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, उम्मीद यही की जा रही है कि जो आज का जो डेटा और इंक्लूड होगा वो बेहतर होगा। लेकिन क्योंकि यदि हम ओवरऑल देखें तो 20-21% की सर नेट टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ है 15 दिसंबर 2021 और 15 दिसंबर 2022 में। लेकिन यदि हम 16 दिसंबर 2021 और 15 दिसंबर 2022 में यदि कैलकुलेशन में करते हैं तो बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्लैट रह सकते हैं, फ्लैट टू अपवर्ड रीजन में एडवांस टैक्स नंबर रह सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त एडवांस टैक्स को लेकर, खबर राय क्या, पूरी खबर।